मैं डॉक्टर ज्योति छाबरिया हूँ सीनियर कंसल्टेंट डाइटिशियन तैंतीस साल हुए मुझे काम करते हुए और मैंने पीएचडी न्यूट्रिशन किया है ऑल्सो मैंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया है मैं यहाँ पे काफ़ी हॉस्पिटल्स में इंडस्ट्रीज में कॉलेज में मैंने काम किया है और कर रही हूँ आज का टॉपिक वेट लॉस है जो एक बहुत बहुत मशहूर टॉपिक है क्योंकि हर एक बंदा चाहे ऑलमोस्ट टीनेजर हो या मिडिलज हो या ओल्ड हो उनको वेट लॉस के बारे में कुछ न कुछ जानकारी हासिल आ, करना अच्छा ही लगता है टॉपिक uh, ये है लेकिन करेक्ट वेट लॉस क्या है आई मीन आजकल इतने फैट डाइट्स आए हैं जी एम मोटो है इतने किस्म के डाइट्स हैं जी एम यू हैव द कीटोजेनिक डाइट इंटरमिटेंट फास्टिंग आया है तो लोगों को लगता है कि आखिर करना क्या चाहिए अभी फर्स्ट क्वेश्चन हम लें तो ये है कि लोग ऑन क्यों करते हो वेट क्यों बढ़ता है वेट बढ़ने का कई कारण है एक तो है कई लोगों को लगता है कि नहीं खाने से वो वेट कम हो जाएगा लेकिन ये बिल्कुल उल्टा है नहीं खाने से यू स्टार्ट गेनिंग वेट ऑल्सो आजकल यंग बच्चियों में हम देखते हैं इरेगुलर पीरियड्स है और ब्लोटिंग है मूड स्विंग्स है इसको हम पॉलिसिस्टिक ओवरीज कहते हैं वहाँ जहाँ अनएक्सप्लेन वेट गेन भी एक सिम्टम है उसका हालांकि अगर वेट लॉस को करेक्टली हैंडल किया जाए तो एक इंसान नेचुरली वेट कम करके ये सब हार्मोनल इम्बेलेंसेस को भी हैंडल कर सकता है ज़रूरी नहीं है कि उसको एलोपैथिक या इंग्लिश मेडिसिन या कोई भी मेडिसिन लेने का जरूरत है एक करेक्शन लाइफ में दैट मीन्स वेट एक बराबर डाइट एक्सरसाइज और नींद ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वेट लॉस के लिए और अनएक्सप्ले वेट गेन किस लिए होता है क्योंकि आजकल के बच्चे पूरा टाइम बाहर से खा रहे हैं घर का कुकिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं हो रहा है आजकल इनफैक्ट कई मदर्स uh, परेशान होकर मेरे पास आते हैं कि बच्चे बिल्कुल घर के खाना में इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे हैं पूरा टाइम बाहर से मंगा रहे हैं एंड लेट्स फेस इट के बाहर का खाने में जो ऑयल्स यूज हो रहा है या एक्स्ट्रा घी तेल का इस्तेमाल हो रहा है टेस्ट के वजह से ऑब्वियसली आप बच्चों को इसलिए वो पसंद आ रहा है बट इट्स नॉट हेल्दी एट द एंड ऑफ द डे क्योंकि हमारे घर में जो हम जो भी बनाएंगे हम देखेंगे कि नीट नीट वातावरण में बन स्वच्छता यूज करके हम बनाते हैं बच्चों को क्या करना है कि हर दो तीन घंटे में सही खाना खाना चाहिए चाहे सैलड्स हो सूप्स हो नेसेसरी नहीं हो और लोगों को आजकल इतना फनाटिज्म हो गया है वेट लॉस के बारे में कि बच्चों को लगता है कि अभी एक जैसे एक पेशेंट आए थे मेरे पास उन्होंने बोले इट्स माई बर्थडे मैडम बट आई कांट ईट केक आई सर हू टोल्ड यू यू कांट ईट केक किसने बताया कि आप केक नहीं खा सकते हो तो बोले नहीं मेरा वेट बढ़ेगा तो इतना फर्नाटिज तो कभी भी जरूरत नहीं है क्योंकि जिंदगी है और जिंदगी को जीना चाहिए खाते पीते हुए जीना चाहिए बट यस करेक्ट चॉइसेस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है सो दैट इज द मैसेज टू बी सेंट आउट और आजकल के बच्चे बहुत फूड खाते हैं जिसमें प्रेजर्वेटिव हैं जिसमें ट्रांसफेट देखते लेब्स देखते हैं खाते हैं बहुत आ, यू नो मैदा वाला प्रोडक्ट्स खाते हैं सो so, आज के युगों को इफ़ यू रियली सी दैट यंगस्टर्स ऑफ टुडे उनको एनर्जी लेवल्स भी बहुत लो है आई फील हमारे एज uh, के लोग जैसे 58, एट आई एम ऑलमोस्ट फिफ्टी एट ईयर्स ओल्ड लेकिन मुझे उस उनसे ज्यादा स्टैमिना नजर आ रहा मुझमें मे बी बिकॉज हमारे टाइम पे हमको इतना एक्सेस नहीं था ये सब यू नो आउटसाइड फूड का होटल्स जाने का रेस्टोरेंट्स जाने का हम ज्यादातर घर पे ही खा यू नो हेल्दी खाना बना के खाते थे हमारे घर में एक आउटिंग एक बोनस होता था बर्थडे पे चले चलो ओके okay. कोई एनिवर्सरी है एक सेलिब्रेशन है हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वो अलग बात है बट ये डे टू डे जो रोज का बाहर से खाना आ रहा है वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं था तो ऑल दीज चेंजिंग लाइफ स्टाइल्स आर अ कॉज फॉर अनएक्सप्लेन वेट गेन एंड ओबेसिटी आजकल बच्चों को स्कूल्स में हम क्यों स्कूल्स में हम हायर हो रहे हैं टू ट्रेन देम बिकॉज Uh, बच ज़्यादातर बच्चे स्कूल में ही रहते हैं लाइक फॉर एग्जाम्पल जब भी मैं हैदराबाद आई थी और मैंने एक स्कूल में काम किया था बच्चे बोल रहे थे देयर हायर्ड मी एज ए न्यूट्रिशनस्ट के अब मैमडम आप हैंडल करो ये बच्चों को ये लोग रेगुलर खाना नहीं खा रहे तो मैंने कहा ठीक है हम बच्चों से बात किए और हमने बच्चों को पूछा कि आपको क्या खाना है तो उन्होंने बोला uh, डॉक्टर हमको ये रेगुलर मेन्यू uh, नहीं खाना है एवरी डे सो ऐसे अच्छा पर पिज्ज़ा बर्गर एक दिन रखेंगे तो एकदम खुश हो गए लेकिन मैनेजमेंट ने सोचा अरे ये क्या कह रही है बट मैंने कहा ओके okay, हम एक बर्गर बनाएंगे तो क्योंकि मैंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी किया है तो मुझे पता है हाउ दीज थिंग्स आर हैंडल्ड तो हम लोग ने एक सोया कटलेट बनाया और एक मल्टीग्रेन ब्रेड का बन बनाया और अंदर से ऑलियोर लेटिस योर टमेटो ये सब डाल के एक हेल्दी बर्गर बनाया तो बच्चे भी खुश और हम भी खुश सो so, उसके बाद बच्चों ने खुद आ, इतना इंटरेस्ट पता है कि वो मुझे पूछने लगे कि अब ये सीजन में हम कौन से सूप्स पेंगे क्योंकि तब तक मैंने कभी कोई स्कूल में या बच्चों के प्रति जब भी मैंने बात करती थी कि कोई सूप्स या सैलड्स या स्प्राउट्स या कुछ कॉन्सेप्ट था इधर हैदराबाद में इट वाज द टिपिकल रसम द सांभर बट हमने एक थोड़ा रेवोल्यूशन लाए इसमें जैसे इडली जस्ट अ सिंपल इडली जो हर घर में बनता है बच्चे खाते इडली बट इडली को देख देख के बोर हो गए दे डोंट फील लाइक ईटिंग इडली तो हमने उसको रेनबो इडली का नाम दिया और क्या किया उसमें ओनली उसमें गाजर बीन्स मटर डाल के उसको कलरफुल बना दिया थोड़ा रागी का आटा डाल दिया ताकि वो आयन का कंटेंट uh, बढ़े और उसको हम रेनबो इडली बोलने लगे और बच्चे दिल से खाने लगे सो इट्स ऑल अबाउट बीइंग इनोवेटिव विथ फूड अगर आप फूड को उसी फूड को जैसे एक पालक है आप बच्चे को बोलेंगे पालक का सब्जी खाएंगे क्या तो डेफिनेटली बच्चा नहीं बोलेगा बट अगर हम उसी पालक को पीस के एक आटे में गूनते हैं और प, ये ग्रीन कलर का आटा बनता है और हम मिकी माउस का फेस से काटते हैं या पॉप का यू नो आकार में उसको काटते हैं सो चिल्ड्रन आर वेरी फैसिनेटेड और वो खा लेंगे तो वो थोड़ा नॉलेज और थोड़ा अवेयरनेस उनको देना बहुत ज़रूरी है एंड मोर इम्पॉर्टेंटली इवन पेरेंट्स को अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल बच्चे क्या छोटे बच्चों का एज क्या है चलो टीवी के सामने बिठाओ या मोबाइल हाथ में दे लो दे दो और थूसते जाओ उनके मुंह में बट वो सही नहीं है थोड़ा नो पेन नो गेन थोड़ा एफर्ट तो डालना पड़ेगा लेकिन अगर बचपन से उनको सही ट्रेनिंग दिया जाए या गाइडेंस दिया जाए कि क्या चॉइसिस पिकअप करना मैं नहीं कहती हूँ कि वो कभी पिज्ज़ा बर्गर नहीं खाएंगे नहीं तो इट्स रियली नॉट कूल लेकिन वो कब खा रहे हैं महीने में कितने बार खा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है तो एक जुडिशियस यूज ऑफ सो कॉल्ड जंक फूड इज ऑल्सो ओके एक उम्र के हिसाब से बट करेक्ट लाइफ स्टाइल चेंज अगर लाते हैं जहाँ एक्सरसाइज भी हो जहाँ नींद भी सही हो जहाँ Uh, डाइट भी बरेबर हो जो घर पे बन रहा है आई थिंक देन बच्चा हेल्दी ग्रो करेगा और इंसिडेंसेस ऑफ एनी लाइफ स्टाइल डिजीजेज और सच नहीं होगा फिर कम होगा थैंक यू